simply supported beam. Practically, we are going to learn. Say hi to everyone. Hi. Hi. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? Simply supported beam, है ना? इसका practical perform करके देखेंगे. ये एक beam है. इसका length कितना है total? 1000 mm. 1000 mm है. Total 1 meter उसका length है, है ना? अभी एक beam है. उसका length 1000 mm है. और ये जो है इसको supports हमने दिया है ऊपर से. तो beam कहाँ hang हो रहा है? To weighing machines पे. Weighing machines किसको supported है? Stands को. Stand पे weighing machine है. Weighing machine पे beam है. Okay. तो हमें यहाँ का reaction find out करना है और यहाँ का reactions find out करना है. कौन से reaction होते हो? Support reactions. ये beam पे हमने अगर कहीं पे load apply किया तो इस side में वो load कितना share हो रहा है और इस side में load कितना share हो रहा है वो हमें निकालना है. Okay. तो प्रैक्टिकली आसान है. हमने वेइंग मशीन लगाया तो वेइंग मशीन अपने को आसानी से बता देगा कि इस पर कितना रीडिंग है और इस पर कितना रीडिंग है. लेकिन हमें उसको उसके साथ ही हमें एनालिटिकली भी प्रूव करना है. ओके. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेटअप सही है या नहीं है वो देखते हैं. अभी सेंटर में है ये. ओके. तो इधर 500 mm है और इधर 500 mm है. अभी मेरे पास अब लोड भी चाहिए, हमारे पास है ना, लोड भी है. ओके. तो ये लोड हम यहां पे अप्लाई करके देखते हैं. तो 2 kg का लोड है, राइट? तो कितना शेयर हो रहा है इधर? 1000. टेयर करो पहले. 0 0 है. 0 है मतलब अभी इसका सेल्फ वेट हम कंसीडर नहीं करेंगे. अभी 0 0 है. yes. अभी मैं 2 kg अप्लाई करता हूं. सेंटर पे है तो दोनों हाफ हाफ शेयर करेंगे. 1 kg और 1 kg. अब एग्जैक्ट रीडिंग कितना है बोलो? 1 kg. 1 kg. तो सेटअप इज राइट. ओके. जब सेटअप राइट होगा तब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे. ओके. अभी टेयर कर लो, फिर से 0 आना चाहिए. यहां से हम एक 20 cm पे एक हैंगर लगाएंगे. ओके. हैंगर लगाने के लिए अरेंजमेंट है, यहां पे ग्रू है और उसको रीडिंग है. इसके ऊपर स्केल है पूरा, आप देख सकते हैं. देखो यहां से 20 cm पे एक हैंगर है और यहाँ से 40 cm पे एक लगाएंगे और हम परफॉर्म करेंगे. देखो 40 कहाँ आता है, यहाँ से 10 आना चाहिए यहीं पे. ओके. अभी टेयर कर लो फिर से. बिकॉज इट इज़ अ डिजिटल मशीन, वी हैव टू सेट ऑल द टाइम 0. अभी हमने सेट किया तो यहाँ पे हम 2 kg अप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 kg अप्लाई करेंगे. लो एंड विल चेक द रीडिंग्स. इधर कितना शेयर हो रहा है लिखो वहाँ पे और इधर कितना हो रहा है. Tell me how much? How much this goes? 1.98 kg. Almost 2 kg. 2 kg लिखो और इधर 970 मतलब 1 kg. और 1 kg is almost equal to 10 N. तो इधर कितना हो रहा है फिर? 20 N और इधर 10 N. तो इधर ज़्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये towards to the this reaction. इस support के पास में है इसलिए ये इधर ज़्यादा शेयर कर रहा है, उधर इधर कम कर रहा है. इधर 10 N, इधर 20 N. ओके. 2 kg मतलब 20 N, 1 kg मतलब 10 N, ऑलमोस्ट 10 N. तो ये प्रैक्टिकली परफॉर्म हुआ. ओके. तो अभी हम उसको निकाल लेते हैं और इसको हम थियोरेटिकली चेक करते हैं. सी हियर, ये हमारा बीम है, राइट? ये बीम है पूरा. उसका लेंथ कितना है? 1000 mm. इसका लेंथ है. और ये जो है आर ए, रिएक्शन एट पॉइंट ए. समझो ये पॉइंट ए है, इस पर हमने रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रहा है एक्चुअली, सपोर्ट रिएक्शन. ओके. तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? अपवर्ड में होगा. अपवर्ड में रिएक्शन है और ये भी अपवर्ड में रिएक्शन है. पॉइंट बी, बोथ आर दी सपोर्ट रिएक्शंस. ओके. वो सपोर्ट दे रहे हैं हमें नीचे से. और जो 10 N है, हमने अभी यहाँ पे लगाया था, ये 1 kg मतलब 10 N. ये कितना है? 2 kg मतलब 20 N. तो 1 kg का डिस्टेंस कितना है? 200 mm. 20 cm मतलब 200 mm. और 20 N का यहाँ से कितना डिस्टेंस है? 400 mm, राइट? और टोटल लेंथ कितना है? 1000 mm, इन बिटवीन दिस आर ए एंड आर बी. ओके. तो दिस इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन. क्या है? इक्विली
ब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम हमने चैप्टर पढ़ा है, उसमें समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई क्या होता है, जीरो। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, जीरो। और मोमेंट भी जीरो होता है, राइट। मोमेंट, मोमेंट यहाँ कैसे क्रिएट हो रहा है, अगर हमने यहाँ सेंटर पॉइंट पकड़ा या फिर ये पॉइंट पकड़ा, इधर अप्लाई हो रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाने की कोशिश करेगा, मुझसे एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। अगर हमने इधर पकड़ा तो ये क्लॉकवाइज इसको घुमाने की कोशिश करेगा, तो ये मोमेंट भी जीरो होगा क्योंकि ये अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में स्टेबल है, राइट। तो मोमेंट भी जीरो होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ वर्टिकल फोर्सेस है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस नहीं है, कौन से फोर्सेस है यहाँ पे, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करेंगे इज इक्वल टू जीरो। अब ये आर ए अपवर्ड में हम क्या करते हैं, अगर कोई फोर्स ऊपर जा रहा है तो प्लस में, आर ए प्लस में, ये डाउनवर्ड में है मतलब कितना है वो, माइनस टेन, माइनस ट्वेंटी, प्लस आर बी इज इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन क्रिएट होगा यहाँ पे, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू टेन प्लस ट्वेंटी, माइनस टेन माइनस ट्वेंटी इज माइनस थर्टी, उधर जाके कितना होगा, प्लस थर्टी। तो दिस इज इक्वेशन वन। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू थर्टी, दिस इज द इक्वेशन वी गॉट, बी इज इक्वल टू थर्टी, ये इक्वेशन मिला हमें। वी हैव टू फाइंड आउट सपोर्ट रिएक्शन आर ए एंड आर बी, आर ए निकालना है और आर बी निकालना है, राइट। अब हम क्या करते हैं, मोमेंट जो है रोटेशनल इफेक्ट इस बीम पे क्या होगा वो देखते हैं। मोमेंट रिगार्डिंग दिस पॉइंट आर ए, मोमेंट आर ए इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, दोनों लोड जो है 10 न्यूटन 20 न्यूटन वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो मोमेंट अबाउट आर ए विल बी जीरो। अब ये फोर्स उस बीम को क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, क्लॉकवाइज, तो इसको साइन लेंगे हम प्लस, ये भी क्लॉकवाइज है प्लस। अब ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश कर रहा है, उसको हम साइन लेंगे माइनस। तो यहाँ पे जब मोमेंट लेते हैं तो फोर्स के साथ उसका डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अबाउट दिस पॉइंट करेंगे तो ये जीरो होगा। अब ये कितना है, टेन, टेन इंटू डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं हम मोमेंट का, मोमेंट को फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम टॉर्क भी बोलते हैं। तो यहाँ ऐसे मोमेंट पैदा कर रहा है, आर ए जीरो होगा, तो ये प्लस में 10 इंटू 200, बाद में अभी 20 है, यहाँ से डिस्टेंस कितना है 400, और ये क्लॉक वाइज घूम रहा है, तो प्लस 20 इंटू 400, ओके। देन आर बी, आर बी अभी एंटी क्लॉक वाइज इस पॉइंट को हम पकड़ेंगे तो भी वो एंटी क्लॉक वाइज रिएक्शन दे रहा है, तो माइनस आर बी इंटू डिस्टेंस कितना है आर ए से लेके वहां तक, 1000 mm, ओके। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, अभी इज इक्वल टू जीरो होगा, दिस जीरो, अभी मोमेंट रिगार्डिंग पॉइंट ए ये सब मिला हमें, इक्वल टू जीरो। 10 इंटू 200 ये कितना होगा, 2000, राइट, प्लस 20 इंटू 400 कितना होगा, 8000, राइट, इज इक्वल टू आर बी इंटू 1000 होगा, ओके। तो आर माइनस आर बी इंटू 1000 है, उसको हमने राइट में ले लिया तो प्लस हो गया। अभी हम क्या करते हैं, 2000 प्लस 8000 हो गया 10000, 10000 इज इक्वल टू आर बी इंटू 1000, राइट। तो आर बी अगर निकालना है मुझे तो 10000 अपॉन 1000 होगा, ये डिवाइडेशन में आएगा, तीन जीरो कट गए, तीन जीरो कट गए, तो आर बी इज इक्वल टू 10 न्यूटन मिला हमें, रिएक्शन एट बी हमें मिला है 10 न्यूटन। अगर हम ये आर बी इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें आर ए मिलेगा, रिएक्शन एट पॉइंट ए, तो इसमें पुट करते हैं हम आर ए
प्लस आर बी 10 है इज इक्वल टू 30, तो आर ए इज इक्वल टू 30 माइनस 10, तो आर ए मिलेगा हमें 20 न्यूटन. वी गॉट आर ए इज 20 न्यूटन. तो प्रैक्टिकली एनालिटिकली क्या प्रूव हो रहा है, आर ए 20 न्यूटन, आर बी 10 न्यूटन. और प्रैक्टिकली क्या प्रूव हुआ, मशीन पे कितना दिखाया, 2 kg मतलब इधर 10 न्यूटन और इधर 1 kg मतलब 2 kg मतलब 20 न्यूटन, 1 kg मतलब 10 न्यूटन. तो प्रैक्टिकली और एनालिटिकली प्रूव हुआ. Am I right? Yes. तो हमने क्या सीखा आज, कोई बीम है उसको कोई सपोर्ट है तो और उस पर कोई लोड एक्ट होता है, तो इस सपोर्ट पे कितना वो लोड शेयर कर रहा है और इस सपोर्ट पे कितना वो लोड शेयर कर रहा है, हम वो एनालिटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हर बार हम ये मशीन लेके हम नहीं जा सकते. अब यहाँ एक बीम है, उस बीम पे ऊपर कितना लोड एक्ट हो रहा है वो हम फाइंड आउट कर सकते बाय एनालिटिकल मेथड. ओके, सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर. बाय बाय. सी यू. से बाय. बाय.